टेस्ट अच्छा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और आप बार बार बनाओगे। तो इसमें हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। एक पौधे की पत्ती है, इसको रखेंगे और साइड में रखेंगे चम्मच। ये देखिए, आइए चलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड। तो मैंने ले लिए हैं अंगूर के दाने हैं, एप्पल है, ये बनाना है। ये तीनों चीजों को डालेंगे दोस्तों। एप्पल अभी बहुत महंगे हैं, अभी लेके आए हैं 300 रुपया किलो। तो अब इसको साइड में रखेंगे और यहाँ रखेंगे दूध कटोरी में, और इसमें डालेंगे ये कस्टर्ड पाउडर, ये रहा। तो इसको डालेंगे हम 2 चम्मच ठंडे दूध में डालना है इसको। तो इसको ऐसे भर भर के 2 चम्मच निकाल लेंगे और इसको घोल लेते हैं और फिर चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक कटोरी में जो अच्छी बढ़िया सी घोल लिया है और गैस पे 1 पाव दूध ये अच्छे से गर्म कर लिया है। उबाल ले लिया है इसमें, उबालते हुए दूध में डालेंगे और चलाते जाएंगे, डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे, डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे इसको धीरे धीरे। तो ये एकदम से गाढ़ा हो जाएगा। और इसमें एक कटोरी भर के छोटी भट के चीनी डाल देंगे और इसको ऐसे चलाएंगे, इसको चला चला के गाढ़ा कर ले, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, अब इसको हमने उबलते हुए दूध में डाल दिया था, तो ये डाला था तो ऐसे डाल के उबलते हुए चलाते जाना था, रोकना नहीं था, तो गुठली बन जाती। तो ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया है, देखिए। अब इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके और फिर इसको इलायची डालेंगे और जीरा रखा था ना, एप्पल अनार और केला, इसको डाल दें। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने ठंडा कर लिया, इतना गाढ़ा हो गया, एकदम गाढ़ा हो गया है, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, इतना गाढ़ा हो गया है। अब इसमें डालेंगे एप्पल और अनार और बनाना, सारी तीनों चीज़ें इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। इसको बढ़िया से अच्छा मिक्स करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, इससे ये अच्छा सेट हो जाए। ये देखिए कस्टर्ड बनके तैयार है। अब इसकी फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे, फिर प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं, देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। तो चलो फ्रिज में रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सेट हो गया है, अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। एकदम ठंडा हो गया है, तो इसको रखेंगे साइड में और प्लेट रखेंगे। तो देखिए मैंने प्लेट को डेकोरेट किया है, एक अनार का दाना है, एक भुट्टे का दाना है, ये गेट सजा यहाँ है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब यहाँ पे रखेंगे कस्टर्ड बनाया है ना, उसको रखेंगे, देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। आप भी ऐसे मेरी तरीके से बना के खाएंगे तो बहुत ही टेस्ट अच्छा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और आप बार बार बनाओगे। तो इसमें हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। एक पौधे की पत्ती है, इसको रखेंगे और साइड में रखेंगे चम्मच। ये देखिए, आइए टेस्ट करिए, बताइए कैसा बना। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।